हेलो सब गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो आज हम लोग काफ़ी मतलब 2-3 दिनों के बाद फिर से एक बार ब्लॉग लेके आ चुके हैं हमारा इस कबूतर बासी का। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आपके कबूतर अंडे उनके पेटी में नहीं देते बल्कि किसी और जगह देते हैं, तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है वो बताने वाला हूँ। तो चेक मारो, देखो ये वाली मादी जो है, ये वाली मादी और ये वाला उसका नर है। ये जोड़े ने ऐसा काम कर दिया भाई, उन लोगों ने क्या कहा पता है। मैंने उसे क्या किया, मुझे लगा कि वो अंडे दे दिए, मतलब मुझे लगा कि अंडे ने दे दिए, मतलब कोने में जाके बैठ ली। ऑब्वियसली बात है कि अपने घोंसले में अंडा देते, किसी और के पास तो देते नहीं है ना। ये न्यू कबूतर आया रखा था, इसे न्यू कबूतर आया था। आपको पता है तुम्हारा भाई कितना पागल है भाई, पूरे कबूतर उड़ा देता हूँ मैं। तो उसकी पेटी जो है भाई ये वाली है, ये नीचे वाली। और वो मादी ने बात ऐसी करी कि भाई उस मादी ने, देखो आपको अंडा से दिखाता हूँ, यहाँ पे अंडा देने के बजाय उस मादी ने यहाँ पे अंडा दे दी। देखो आप लोगों को दिखा होगा, देखा है ना वो मादी भाई। मैंने कह दिया भाई हमसे ना होगी, क्योंकि भाई हर कबूतर अपने पेटी में अंडा देता है। मेरे साथ पहले भी ऐसा हो रखा है कि मैंने मेरा जो पिंजरा था उसको बंद कर दिया था और कबूतर ने पिंजरे के बाहर अंडा दे दिया था। तो मेरी ये गलती हो गई कि वो वहाँ पे अंडा दे दी थी और मुझे पता नहीं था वो अंडा दे दी, इसलिए मैंने उसको उठा दिया और फेंक दिया। तो उठा के सीधा उधर गई वो दूसरी वाली बिल्डिंग पे और वहीं पे अंडा दे दिया। भाई बताओ आप क्या करो, एक अंडा यहाँ पे, एक अंडा वहाँ पे। माँ दी भी कंफ्यूज है, वहाँ का बोलूँ या यहाँ का बोलूँ। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करो। मैंने जैसे कि आपको बताया कि उसकी ये वाली पेटी और उसने यहाँ पे कार्डी वगैरह कुछ भी जमा नहीं किया, तो भाई उसका टेंशन मत लिया करो। आपका अगर इतना बड़ा पिंजरा हो तो भाई इन्होंने देखो यहाँ पे अंडे दिए, देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन इनकी ये वाली नहीं थी पेटी, ये वाली थी गाइस, ये वाली इन्होंने इसको छोड़ के यहाँ पे दिया। और नर यहाँ पे मादी होती है, यहाँ पे नर होता है, कभी यहाँ पे मादी होती है कभी यहाँ पे नर होता है, तो ऐसा सीन होता है गाइस। इसमें इसलिए आप लोगों को ये कहने का बता रहा हूँ कि जहाँ पे कबूतर ने अंडा दिया उसको वहीं पे देने दो भाई, उसको उठा के किसी और जगह पे मत रखो, क्योंकि फिर वो अंडा घुलने वाला है नहीं। अभी देख लो, वो पसंद थी भाई ये वाली जगह, ठीक है उसका ये वाली पेटी है, लेकिन उसने यहाँ पे अंडा क्यों डाला, क्योंकि उसको पसंद थी ये वाली जगह, क्योंकि ये कम स्पेस है यहाँ पे और यहाँ पे कोई कार्य बढ़िया जमा करने की भी जरूरत है नहीं, एक बारी में एक जन हो सकता है। तो इस हिसाब से उस मादी ने उसका दिमाग लगा के अंडा दे दिया। तो मैंने कहा कि यार भाई यहाँ पे क्यों दिया ऐसे वैसे, इसलिए मैंने अंडा वहाँ से उठाया यहाँ पे रखा, तो मादी ने घोला ही नहीं अंडा। मादी अंडा घोलती तो स्लिप वहीं पे घोलती, तो इसलिए भाई मादी को तंग मत करो, जहाँ अंडा दी वहीं पे घोलने दो। और मेरी तरह अगर आपका भी नुकसान हो चुका है एक अंडे का तो होने दो भाई, अभी ये बहुत बहुत नस्ल निकालेगी, तो टेंशन मत लो ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, कभी भी मौसम पे और मीडिया वालों पे और कबूतर कहाँ अंडा देने वाले, इन तीन चीज़ों पे कभी विश्वास मत रखना भाई। कबूतर का मान ये, अगर मादी अंडे पे आ गई तो भाई उसको जब जब मन चाहे जब अंडा देगी और जहाँ मन चाहे वही देगी। तुम और हम लोग नहीं सकते उसे कि भाई यहीं पे दे अंडा यहीं पे दे अंडा, उसकी मर्जी चाहे वहीं पे अंडा देगी और वहीं पे घोलेगी। तो तुमको भाई तंग मत करो ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना बताना चाहता था, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।